दर्शकों, आज हम आपको बताने वाले हैं आपके शरीर का केंद्र नाभि के बारे में। जी हाँ, आपके शरीर का केंद्र बिंदु होता है नाभि, और इस नाभि के वजह से आपको कई सारे मिल सकते हैं फायदे, जो कि आपकी आँखों, मस्तिष्क और आपकी त्वचा के लिए काफी उपयोगी होती है। जी हाँ, नाभि के कारण आप स्वस्थ भी रह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। दरअसल कहा जाता है कि नाभि में अगर आप रात को सोने से पहले मात्र 2 बूंद तेल की डालते हैं, तो आप ऐसी कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं नाभि में तेल डालने से क्या क्या फायदे होते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि यदि आपकी आंखों में जलन है, खुजली और सूखापन है, तो यदि आप नाभि में तेल डालेंगे तो ये सब दूर हो जाएगा। नाभि में तेल लगाने से शरीर में किसी भी भाग में सूजन की समस्या खत्म हो जाती है। यदि आप सरसों का तेल नाभि में लगाते हैं तो घुटने में दर्द से राहत मिलती है। नाभि पर सरसों का तेल लगाने से पिंपल्स और दाग धब्बे ठीक हो जाते हैं, और सरसों का तेल लगाने से हमारा पाचन तंत्र भी स्ट्रांग हो जाता है। वहीं अगर बात करें बादाम का तेल की, तो बादाम का तेल लगाने से रंगत निखर जाती है। तेल लगाने से पेट का दर्द कम हो जाता है। इतना ही नहीं, फूड पॉइजिंग, दस्त, मतली जैसी बीमारियों से भी राहत मिलती है। अगर बात करें मुहासों की समस्या से परेशान हैं आप, तो आप नीम के तेल को नाभि में लगा सकते हैं, और जिससे कि आपके कील मुहासे हो सकते हैं दूर। वहीं नाभि प्रजनन तंत्र से जुड़ी होती है, इसलिए नाभि में तेल लगाने से प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है। इतना ही नहीं, बात करें पीरियड्स की, तो महावारी से संबंधित समस्याओं से आजकल हर महिला ग्रस्त मिलती है। अगर पीरियड्स के दौरान ज़्यादा दर्द हो, तो आप रुई के फाये में थोड़ी सी ब्रांडी लगाकर नाभि में लगाने से ये तुरंत दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल यानी कि नारियल का तेल लेकर नाभि में लगाने से महिलाओं के हार्मोन संतुलित होते हैं, और साथ ही साथ गर्भधारण की संभावना भी बढ़ती है। अगर बात करें पुरुषों की, तो नाभि में तेल लगाने से पुरुषों के शरीर में शुक्राणु की वृद्धि और सुरक्षा होती है। इतना ही नहीं, नाभि में तेल लगाने से शरीर के किसी भी भाग की सूजन के साथ साथ आपके फटे हुए होंठ नरम हो जाते हैं और गुलाबी भी हो जाते हैं। तो देखा दर्शकों आपने कि ऐसे कितने फायदे हैं जिसकी वजह से नाभि में तेल लगाने से दूर हो सकती हैं। नाभि में नियमित रूप से सफाई भी जरूरी होती है। इसके लिए कुसुम, जोजोबा और ग्रेप सीड और इसी तरह के अन्य कई हल्के तेलों को रुई में लगाकर नाभि में लगाएं, तो धीरे धीरे मैल भी साफ हो जाता है। जी हाँ, नाभि में मौजूद मैल के कारण बैक्टीरिया और फंगस भी पनपने की संभावना होती है, इसीलिए कोई भी संक्रमण रोग बढ़ सकता है। यदि आप भी ऐसे ही असरदार उपाय यूज करना चाहते हैं, तो आप भी नाभि में तेल लगा सकते हैं। वहीं साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि नाभि को नम बनाकर रखना चाहिए, इसलिए इन तेलों में टी ट्री ऑयल और मस्टर्ड यानी कि सरसों का तेल काफ़ी असरदार होता है। तो देखा दर्शकों आपने कि नाभि में तेल लगाने से कितने सारे चमत्कारी फायदे होते हैं, और ये सभी आप घर पर ही कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही तमाम लेटेस्ट खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्यूरेन हेल्थ डेस्क से प्रांशी की रिपोर्ट।